हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक का डिस्कशन होगा ये रहेगा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, जिसमें हम गुआवा के बारे में या अमरूद के बारे में देखेंगे। तो गाइस, हम लोग टॉपिक तो कंटिन्यू करेंगे ही अकॉर्डिंग टू सिलेबस, लेकिन साथ साथ में जितने ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज हो सके टॉपिक से रिलेटेड, जो अदर टॉपिक हैं उनकी भी साथ साथ में करते रहेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर और जूलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करवाई हुई हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके क्वेश्चन लगेंगे उतना अच्छी आपकी प्रिपरेशन रहेगी, और हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले पहले आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं और साथ साथ में अदर टॉपिक भी हो जाएं कंप्लीट। तो आज का वीडियो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुआवा के बारे में, जो इसका बॉटेनिकल नेम है ये है सीडियम गुआजावा। तो ये होता है सीडियम गुआजावा। इसके अलावा जो फैमिली से बिलोंग करता है ये होती है मिट्रेसी फैमिली। और अगर ओरिजिन की बात करूँ कि गुआवा का जो ओरिजिन प्लेस है वो है साउथ अमेरिका। और क्रोमोसोम नंबर की बात करूँ तो ये होते हैं 22 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और फ्रूट टाइप की बात करूँ तो बेरी टाइप का गुआवा का फ्रूट होता है। और एडिबल पार्ट की बात करूँ तो पेरिकार्प और थैलेमस एडिबल पार्ट है। और गुआवा के जो अदर नेम हैं, इन्हें एप्पल ऑफ ट्रॉपिक या पुअर्स फ्रूट या गरीबों का फल के नाम से भी गुआवा को जाना जाता है। और गुआवा जो गुड सोर्स है ये है विटामिन सी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पैक्टिन, विटामिन ए और B2। तो इन सभी का ये गुड सोर्स होता है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करती है गुआवा की, कंट्री की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया, जो करता है टोटल गुआवा का 41%। और सेकंड नंबर पे आ जाता है चाइना, जो 10% करता है टोटल गुआवा प्रोडक्शन का। और थाईलैंड थर्ड नंबर पे आ जाता है, ये करता है 7% प्रोडक्शन। और अगर नेक्स्ट है स्टेट्स की बात करूँ तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है ये है उत्तर प्रदेश, सेकंड पे आ जाता है मध्य प्रदेश एंड थर्ड है बिहार। अब क्लाइमेट की बात करते हैं कि गुआवा किस टाइप के क्लाइमेट में ग्रो करता है, तो ये करता है ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल जो रीज़न है या क्लाइमेट है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल है फॉर गुआवा कल्टिवेशन, या इसे कहते हैं उष्ण या उपोष्ण जलवायु। और इसके लिए जो हॉट और ह्यूमिड जो क्लाइमेट है इट इज़ बेस्ट फॉर गुआवा कल्टिवेशन। अब सॉइल की बात करूँ तो डीप लोमी और वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर गुआवा ग्रोथ। तो जो दोमट मिट्टी होती है या जो फर्टाइल होती है, वेल ड्रेन्ड मिट्टी जो है, सॉइल है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। और पीएच की बात करूँ तो 6.5 to 7.5 पीएच इज़ बेस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करूँ तो इसकी ग्रोथ के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है ये है 23 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टोर करने की बात करूँ तो स्टोरेज के लिए 7 to 8 डिग्री इज़ बेस्ट। और इसके अलावा जो अ कूल विंटर इंड्यूसेस हैवी फ्रूटिंग एंड प्रोड्यूसेस गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट। तो जो कूल विंटर होता है ये जो गुड क्वालिटी के फ्रूट हैं वो ज़्यादा उत्पादन होता है इन कूल विंटर। अब प्लांटेशन की बात करते हैं तो जो प्लांटेशन का जो टाइम होता है ये जून से जुलाई के बीच में होता है। और प्रूनिंग टाइम होता है फरवरी टू मार्च। और जो जो पौधा अंतरण या स्पेसिंग होती है एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी की, कितनी दूरी पर लगाया जाना चाहिए, तो यह है 8 by 8 meter। और अगर पिट साइज़ की बात करूँ तो 1 by 1 by 1 meter पिट साइज़ इसका होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं जो गुआवा है या जो अमरूद है वो प्लांटेशन के बाद 3 से 4 वर्ष की आयु में फ्रूट्स को देना स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा पुष्पन के 5 महीने बाद ये फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। और अगर तुड़ाई की अवस्था बोलो, फलों के पकने के बाद तुड़ाई इसको तोड़ा जाता है। और उपज की बात करूँ, यील्ड की बात करूँ तो 40 to 50 kg पर ट्री हमें गुआवा प्राप्त होता है, या 400 to 500 फ्रूट पर ट्री से हमें मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रोपोगेशन मेथड है।
तो प्रोपोगेशन मेथड में जो गवावा को प्रोपोगेट किया जाता है ये है एयर लेयरिंग मेथड एंड सेकंड है ग्राफ्टिंग मेथड। तो फर्स्ट देखते हैं एयर लेयरिंग मेथड जो है, या इसे कहते हैं गूटी लगाना। तो एयर लेयरिंग में देखते हैं जो इसके स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले एक ट्विग लेते हैं जो अमरूद अमरूद का ट्री होता है, तो उसमें से इसकी बार्क रिंग को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद जो ये बार्क रिंग को हमने रिमूव किया है उसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को अप्लाई कर देते हैं, और इसके बाद जो रिडल्ट एरिया है उसमें हम मॉइस्ट मॉस लगा देते हैं, और उसके बाद इस कुछ टाइम बाद इसे डिटैच कर दिया जाता है इस ट्विग को जो गुआवा का ट्री होता है उससे। अब फिर इसके बाद क्यों मॉस की वजह से इसमें रूट की ग्रोथ हो जाती है जहाँ पर हमने बार्क रिंग को रिमूव किया था और मॉस को कवर किया था। अब इसके बाद इसकी पॉटिंग की जाती है जो लेयर प्लांट होता है, और फिर जब पॉटिंग करते हैं उसके बाद जो प्लांट होता है वो रेडी हो जाता है प्लांटेशन के लिए। अब नेक्स्ट है ग्राफ्टिंग मेथड, या ये वाली जो मेथड है इसे कहा जाता है वेज ग्राफ्टिंग। तो जो वेज ग्राफ्टिंग है इसमें 90 से लेकर 98% तक हमें सक्सेस मिलती है फॉर प्लांट प्रोपोगेशन ऑफ गुआवा। तो ये जो गूटी मेथड है उससे ज़्यादा कई ज़्यादा सक्सेसफुल मेथड है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक जो ट्री है गुआवा का उसमें से एक बड स्टिक लेते हैं जो पेंसिल की जितनी होती है इसकी थिकनेस जो होती है, तो बड स्टिक को साइन स्टिक भी बोलते हैं। अब इसको 7 दिन पहले डिफोलिएट कर देते हैं इस स्टिक को, जो हमने बड स्टिक लिया है ट्री से। डिफोलिएट का मतलब होता है पत्तियों को हम काट कर अलग कर देते हैं। अब एक दूसरा प्लांट लेते हैं गुआवा का जिसे सीडलिंग के द्वारा तैयार किया गया है। अब जो हम ये साइन स्टिक है और जो ये सीडलिंग के द्वारा तैयार किया गया है, इन दोनों में कट लगाते हैं और दोनों को हम एक पॉली बैग से बांध देते हैं, और इसके बाद जो नया जो प्लांट होता है वो प्रोपोगेट करने के लिए तैयार होता है। तो ये ज़्यादा अच्छी मेथड है एज़ कम्पेयर टू गुटी। अब नेक्स्ट देखते हैं वैरायटीज़ की बात करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हफ्सी वैरायटी। तो हफ्सी जो वैरायटी है इसका जो फ्लैश का कलर होता है, फ्रूट के फ्लैश का कलर, तो ये रेड कलर का होता है। तो कई एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया है कि जो रेड कलर का फ्रेश गुआवा की वैरायटी है वो कौन सी है, तो ये होती है हफ्सी वैरायटी। अब नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद सफ़ेदा। तो ये ड्वार्फ वैरायटी है और इसके जो फ्रूट होते हैं स्मूथ होते हैं, राउंड होते हैं, और इनका जो फ्लैश होता है ये है वाइट कलर का फ्लैश। और मोस्ट फेमस वैरायटी होती है गुआवा की। और इसके अलावा जो विल्ट डिजीज़ पाई जाती है, जो सबसे खतरनाक डिजीज़ होती है गुआवा की, उसके लिए ये प्रतिरोधी किस्म है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो वाइट कलर का फ्लैश है वो किस अमरूद की वैरायटी में होता है, या जो विल्ट डिजीज़ से रेजिस्टेंस वैरायटी है वो कौन सी है, तो वो है इलाहाबाद सफ़ेदा। अब नेक्स्ट देखते हैं सरदार वैरायटी। तो इसे कहा जाता है L49 या लखनऊ 49 के नाम से भी जाना जाता है। ड्वार्फ वैरायटी है और इसका जो फ्लैश होता है ये होता है क्रीमी वाइट, स्मूथ और जूसी एंड रिच टेस्ट का ये होता है। और इसके अलावा जो L49 है तो ये रेजिस्टेंट होती है फॉर ब्रोंजिंग। तो ब्रोंजिंग एक अमरूद का फिजियोलॉजिकल डिजीज़, या जो काई बोल सकते हैं जो काईकी या विकार होता है वो होता है ब्रोंजिंग। तो उसके लिए ये प्रतिरोधी किस्म की वैरायटी है। नेक्स्ट है चित्तीदार। तो इसमें क्या होता है, फ्लैश में पूरा कंप्लीट पिंकिश रेड नहीं होता है, इसमें केवल डॉट्स होते हैं पिंकिश रेड कलर के। इसके अलावा ललित वैरायटी है, तो इसमें पिंक टाइप का फ्लैश होता है, पिंक कलर का फ्लैश होता है, और ये डेवलप की गई थी CISH लखनऊ के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं अलाहाबाद सुरखा। तो ये शीडलेस वैरायटी होती है और इसका पिंक कलर का फ्लैश होता है, जो गूदा होता है वो गुलाबी कलर का होता है। अब है एप्पल गुआवा।
तो ये एप्पल कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, मीडियम साइज का होता है और गुड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स होते हैं एप्पल गुआवा के। नेक्स्ट है अर्का रश्मि, तो ये कामसरी और पर्पल लोकल का क्रॉस जो हाइब्रिड वैरायटी है ये है अर्का रश्मि। नेक्स्ट है अर्का मृदुला, तो ये शीटलेस और ड्वार्फ वैरायटी का क्रॉस है। जो अर्का मृदुला है ये एक शीटलेस वैरायटी है, साथ में ये है एक ड्वार्फ वैरायटी। नेक्स्ट है कोहिर सफ़ेदा, तो ये कोहिर और अलाहाबाद सफ़ेदा का क्रॉस करके बनाई गई हाइब्रिड वैरायटी है गुआवा की। नेक्स्ट है अर्का अमूल्या, तो ये अलाहाबाद सफ़ेदा और शीडलेस वैरायटी की क्रॉस करके बनाई गई है। अब नेक्स्ट है जो इसके अलावा जो अदर वैरायटीज़ पाई जाती हैं ये हैं बनारसी सुरखा, अर्का किरण, अर्का श्वेता या हरीजा। और ये जो हरीजा वैरायटी है ये बिहार की फेमस वैरायटी है। अब नेक्स्ट देखते हैं जो गुआवा में इम्पोर्टेंट जो पेस्ट हैं या डिजीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले जो कीट हैं, सबसे पहला है फ्रूट फ्लाई, तो ये मेजर पेस्ट है अमरूद का। जो प्रमुख कीट होता है ये होती है फ्रूट फ्लाई, तो ये होती है बैक्टोसेरा करेक्टा। तो ये जो इसका नाम है बैक्टोसेरा करेक्टा, तो ये होती है फ्रूट फ्लाई ऑफ गुआवा। और ये ज़्यादातर जो रेनी सीज़न होता है उसमें होती है। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल होती हैं फ्रूट फ्लाई, ये जो यंग फ्रूट होते हैं उनकी एपिडर्मिस की सतह पर एको ले करती हैं। जब ये और फिर ये जो मैगट्स होते हैं ये पल्प को खाते हैं, और कुछ 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 टाइम बाद ही जो गुआवा फ्रूट होता है वो रोट हो जाता है, बिल्कुल पूरी तरह से सड़ जाता है। तो ये है फ्रूट फ्लाई ऑफ गुआवा, और ये मैगट्स के खाने की वजह से ये बिल्कुल पूरी तरह से रॉट हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इसका सेकंड मिली बग। तो ये भी एक कीट है गुआवा का। तो ये क्या करता है, ये है मिली बग, तो ये करता है पौधों के विभिन्न हिस्सों को चूसता है, और जिसकी वजह से पौधा कमज़ोर हो जाता है और धीरे धीरे सूखने लगता है। नेक्स्ट है गुआवा शूट बोरर, तो ये छाल को खाने वाला एक कीट है और सीरियस पेस्ट है नर्सरी का। इसके बाद ये क्या करता है, धीरे धीरे शूट को खाता है जिसकी वजह से तना संक्रमित होकर सूख जाता है और प्लांट धीरे धीरे सूखने लगता है पूरी तरह से। अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं गुआवा की। तो सबसे जो मोस्ट डेंजरस डिजीज़ है ये है विल्ट डिजीज़, या इसे कहा जाता है उकटा डिजीज़। तो ये होता है फ्यूजेरियम ऑक्सीपोरम फंगी के कारण। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि जो विल्ट डिजीज़ है वो किसके डिजीज़ है, तो ये है एक अमरूद की जो होता है फंगी के कारण, जो है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। तो इसमें क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो येलो विल्ट हो जाती हैं, येलोइंग हो जाती हैं, और मेजर इन्फेस्टेशन होता है। तो ये क्या हो जाती है, डिफोलिएट हो जाती है, सारी की सारी लीव गिर जाती हैं और पौधा सूख जाता है। अब नेक्स्ट जो डिजीज़ है गुआवा की ये है एंथ्रेक्नोज, और इसे डाईबैक भी बोलते हैं, या शामुन रोग है अमरूद का कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, डार्क ब्राउन और ब्लैक स्पॉट पाए जाते हैं शूट पर, और जो फ्रूट है उस पर स्मॉल स्मॉल डार्क कलर के, डार्क ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर के धब्बे पड़ने लगते हैं, और जो फ्रूट होता है वो कम्प्लीटली रॉट हो जाता है 2 से 3 दिन में। और ये होता क्यों है, कोलेटोट्राइकम सीडी फंगी के कारण ये हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसमें जो फ्रूट है ये बिल्कुल सड़ चुका है, इसमें ब्लैक और ब्राउन कलर के धब्बे पड़ने लगे हैं। इसके अलावा ये आप बाहर से भी देख सकते हो, तो ये है शामवर्ण रोग अमरूद का। अब नेक्स्ट देखते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की अगर बात करूं, या कायिकीय विकार जो होता है, तो इसमें है फर्स्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है कि जो ब्रोंजिंग होती है गुआवा में वो क्यों होती है। तो वो डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जब जिंक की कमी हो जाती है तो इसलिए ये ब्रोंजिंग होता है। इट इज़ अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, और लीफ जो होती है वो कम्प्लीटली येल्लो हो जाती है। तो
ये है ब्रोंजिंग ऑफ गुआवा जो होता है जिंक की कमी की वजह से। नेक्स्ट है फ्रूट क्रैकिंग, तो जो फ्रूट क्रैकिंग जो डिसऑर्डर है ये गुआवा में भी पाया जाता है। तो ये होता क्यों है, तो जो जब आप अनइवन सप्लाई करते हो वाटर का, प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट नहीं होता है और लेस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर की वजह से ये इस टाइप से जो फ्रूट है वो क्रैक होने लगता है अमरूद का। तो ये सारे के सारे जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी अबाउट गुआवा, तो ये कंप्लीट हो गई है। तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।